नमस्ते ब्रजचारी बुड, आपका स्वागत है। आज खड़ा हूँ एक ऐसी एसयूवी के सामने, एसयूवी बोल सकते हो, क्रॉसओवर भी बोल सकते हो, अपनी हैचबैक बोल सकते हो, मतलब टोयोटा ने भी मारुति से सभी वाली गाड़ी ले ली है। टोयोटा ने मारुति से कौन कौन से एक ये गाड़ी ले सक रखी है, एक ये ले रखी है, एक ये ले रखी है और एक ये ले रखी है, मतलब तीन गाड़ी इनके पास ऑलरेडी थी, चौथी गाड़ी अपनी हो चुकी है। भाई गाड़ी का नाम कौन सा है? गाड़ी का टाइजर नाम है, कर सकते हो टाइजर। अब ए साइलेंट है, जी इसके अंदर आता है, तो ये चीज़ है। चाबी बात करूँ, आपको चाबी ऐसी मिल जाती है भाई, टोयोटा का लोगो रिमोट की मिल जाती है, सेम नेक्सा वाली थीम इन्होंने दे रखी है, ये काफ़ी चीज़। अब इधर से बात करूँ आपको सामने से कैसी क्या नहीं, लाइट लूट भी आपको ऐसे मिलते, मैट्रिक वाले DRL इसके अंदर मिल जाते हैं, इसके अंदर मैट्रिक वाले, और थ्री चैम्बर में आपको हेलोडन हेडलाइट मिल जाती है अपने को इसके अंदर, ये कभी थ्री चैम्बर मिलती है, लो बीम और हाई बीम इसके अंदर मिल जाता है, ट्विन हुक आपको ऐसा मिल जाता है। कुछ जला के दिखा देता हूँ आपको एक बार, क्या जलती कैसी कैसी नहीं जलती वो भी आपको दिखा देता हूँ। कि अब जैसे ना, अब सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी भाई टोयोटा ने अपनी, लेकिन टोयोटा भी है ना एक अलग चीज़ पे चलती है। देखो जैसे इतना इसकी हेडलाइट वगैरह ऐसी चलती, और थ्रो भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर दिया गया। ये लिप जो फ्रिक्चर जो इसके अंदर हो रहा है भाई, कैमरे का फ्रिक्चर हो रहा है, वैसे इसका फ्रिक्चर नहीं हो रहा है। थ्री चैम्बर इसकी हेडलाइट जलती रहती है, ये भी काफ़ी चीज़ है। ग्रिल भी आपको काफ़ी अच्छी स्माइली टाइप की ग्रिल मिल जाती है, ये भी मतलब थोड़ा सा टोयोटा अपना अलग थीम लेके चलता है। ये जो ग्रिल है ना अपनी भाई, इनोवा से इंस्पायर है, और अब नीचे वो मिल जाता है इस नीचे, और एक ग्रिल वगैरह अपने नीचे मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इधर से बात करूँ, इधर से आपको ऐसे मिल रहा है, लेकिन लाइट बंद कर देता हूँ आपको इसकी पहले, लाइट बंद करने के बाद में मैं लाइट बंद हो गई, ऐसे मिल जाती है। अब साइड पर आपको दिखाऊँ, साइड पर आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, ऐसा आपको पूरे एरिया मिल जाता है। सेम आपको फ्रंट से मिलती है, लेकिन फ्रंट जो फेसी है ना भाई, पूरा टोयोटा चेंज कर देता है अपना, ये काफ़ी चीज़ है। ये जो मेरे अलॉय व्हील है भाई, ये हैं 16 इंची के गन मेटल अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाता है इसके अंदर। और टायर साइज़ की बात करूँ, इसके अंदर टायर साइज़ का लिखा रहता है, R16 का टायर साइज़ लिखा हुआ है, देख सकते हो 195 R16 R16 टायर अपने लिखा हुआ है। तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पर देख सकते हो ड्रम ब्रेक्स आपको रियर में मिल जाते हैं। 185 ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसके अंदर, 85 SC की समथिंग मान के, इसके बिल आपको इसमें लग के ही आती, 9 SC पार्ट है, लग के ही आती। रियर से बात करूँ, रियर से कैसी क्या मिलती कैसी क्या नहीं मिलती, रियर में आपको ऐसी मिल जाती भाई, काफ़ी शानदार वेरियंट है टाइजन की बैजिंग, आपको यहाँ मिल जाती है। अनंत टोयोटा ग्वालियर, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, मुझे इस फोन दी है। चलो यहाँ पे मिल जाती है टाइजन की बैजिंग, यूनिवर्सल ये रनिंग की बैजिंग, यहाँ पे जी वेरियंट मिल जाता है अपने को, यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, 2 रुपये पार्किंग सेंसर मिलते हैं इधर, और 1, 2, 3, 4 पर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बूट स्पेस भी आपको दिखाऊँ मैं आपको, बूट स्पेस आपको ऐसा मिल जाता है, रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, सेम वही बूट स्पेस मिलता है कि नहीं। लाइट अपने को यहाँ मिल जाती है, लाइट अपने को यहाँ मिल जाती है, और लाइट अपने को ऐसे मिल जाती है अपने, यहाँ पर लाइट मिल जाती है, नीचे एरिया मिल जाता है, टूल किट भी यहीं मिल जाता है, स्पेयर व्हील भी आपको यहीं मिल जाता है, 16 इंची की मिलता है, यहाँ पर टूल किट रखे हुए। पार्सल ट्रे आपको ऐसे मिलता है, 60 और 40 सीट मिल जाती है अपने को यहाँ पर। ग्रैप हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर बटन अपने को यहाँ मिल जाता है। टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, मतलब वेरिएंट वाइज इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, ये भी बहुत अच्छा। डिफॉगर अपने को यहाँ मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है इसके अंदर, शार्पन एंटीना आपको मिल ही जाता है, और इसके अंदर भाई रूफ रेल भी आपको मतलब सिल्वर कलर की मिल जाती है। रियर बात करूँ उसको, रियर से जो लाइनिंग वगैरह आपको मिल ही जाती है, जी वेरियंट है अपने। रियर पैसेंजर डोर में आपको दिखाऊँ, कुशनिंग आपको मिल जाती है, लेदर कुशनिंग आपको यहाँ मिल जाता है, ये ब्लैक कलर का ही मिल जाता है, बोटल होल्डर मिल जाता है, मैक पॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ मिला, टूटर इसके अंदर नहीं आता है। कुशनिंग की बात करूँ, कुशनिंग भी आपको सीट कवर मिल जाता है, ऐसे आपको सीट कवर मिल जाते हैं बढ़िया, मतलब फैब्रिक वाले सीट कवर हैं इसके अंदर। ये है बैठने करने की बात करूँ आपको, बैठने करने में ना इसके अंदर भाई काफ़ी अच्छी चीज़ अपने को दी गई है, ये भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। जैसे ना स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाता है अपने को, शानदार स्पेस मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है। रियर एसी वेंट अपने यहाँ पे इसमें भी आ जाता है, 12V का चार्जिंग पोर्ट अपने को यहाँ मिलते हैं, दो चार्जिंग पोर्ट अपने को यहाँ मिल जाते हैं, मेरे एडजस्ट करने का लीवर मिल जाता है, यहाँ पर लाइट मिल जाती है अपने को। और रियर में भी आपको दिखाऊँ ना, रियर में भी हेडरेस मिल जाते हैं, हेडरेस भी मिल जाते, 3 हेडरेस मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके अंदर जैसे हेडरूम बताऊँ, हेडरूम भी अपने काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है, मतलब ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। रेफेंडर अपने कैसे मिल जाते हैं, ये भी अपनी और चीज़ मिल जाती है भाई। जैसे ना सॉफ्ट टच में क्या होता है, सॉफ्ट टच में अपना
काम करता रहता है, ये है 640 शीट मिल जाती है। चलो आपको बाहर निकल के दिखाऊं, ऐसा आपको डैशबोर्ड एरिया मिलता है, आपको मैं डैशबोर्ड एरिया दिखा देता हूँ। ऐसा आपको डैशबोर्ड एरिया मिल जाता है अपने को, डैशबोर्ड सेम आप जो जानते हो क्या है, लेकिन भाई टोयोटा की जहाँ बैजिंग लग जाती है ना, वहाँ आपको खुद को पता है चार चांद लग जाते हैं। ये है यहाँ पर, इसको कूल करेंगे तो यहाँ पर 640 सीट मिल जाती है। सीट बेल्ट आपको 6 एयरबैग इसके अंदर, तो पता नहीं है वही सेम सेफ्टी वाइज है। आप ड्राइवर साइड डोर के अंदर यहाँ देख सकते हो कुछ नहीं, चारों पावर विंडो, लोग मेरा एडजस्ट करने के लिए बॉक पैकेट, बोटल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर अपने को यहाँ मिल जाता है, सीट एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाता है। सेकंड टॉप ब्रेंड की ना सब चीज़ अपने अवेलेबल हो जाती है। एयरबैग की बैजिंग अपने को यहाँ है भी रही है, यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग अपने को यहाँ पर नहीं भाई, ये पता नहीं किस चीज़ की बैजिंग है, लेकिन इसके अंदर आपको कटेंस एयरबैग मिलते हैं नहीं मिलते वो भी आपको दिखवा देते हैं एक बार, है कि नहीं। यहाँ पर एयरबैग मिल जाता है, 6 एयरबैग तो आपको यहाँ मिल ही जाता है, देख सकते हो एयरबैग लिखा है, एक एयरबैग यहाँ लिखा है, एक एयरबैग वहाँ पे, एक एयरबैग आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब कन्वीनियंस चीज़ वाले 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिलता है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, 12B का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, 12B का चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिल जाता है, टिकटॉक का बटन अपने को यहाँ मिल जाता है, डोर ओपनर आपको यहाँ मिल जाता है। अगर इसको लगाऊँ मैं आपको, बंद हो गया, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, और अपना एक स्टेमांडिंग कंट्रोल अपने यहाँ मिल जाता है, इसमें एडजस्ट आस्टर अपने यहाँ मिल जाता है, ट्रक्शन कंट्रोल मिल जाता है, एडजस्ट आस्टर मिल जाता है, बीम एडजस्ट करने का लीवर जाता है, मतलब आपको मोस्टली आपको ज़रूरतमंद के जो फीचर है ना वो आपको पूरे मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील अपने 3 स्पोक मिलता है, ये है वही वाला, यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे ये वो मिल जाता है, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आगे पीछे का भी है भाई। ओहो, गुड आफ्टरनून, ऐसे आपको चीज़ मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम ये मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार, सारी चीज़ के सपोर्ट, ऑटोमेटिक एसी मिल जाती है। इसको जब फर्राटा चलाऊं, इसको मैं फर्राटा चलाऊं तो अपना फर्राटा ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, अपने टेम्परेचर वगैरह चेक करने वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, सारी चीज़ें अपने प्रोवाइड करा देती है। ऐसा मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक अपने यहाँ पर दे रहा है, गियरबॉक्स ऐसा मिल जाता है, हैंडब्रेक क्रोम वाला, 5 स्पीड ऑटोमेटिक में भी आता है, मैनुअल में भी आता है, सेंसिबिलिटी मिरर, लाइट अपने को वही अपनी सेम बलेनो वाली यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। और इधर की बात करूँ आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिल जाता है, ये है काफ़ी चीज़, मतलब इधर MID की बात करूँ आपको, MID के अंदर भी आपको इधर से किलोमीटर वगैरह का चेंज रहा भी सारी चीज़ दिखा देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, ये है बैटरी वाला भी इसके अंदर, मतलब ये स्मार्ट हाइब्रिड वाली है, इसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है, तो यहाँ पर आप स्मार्ट हाइब्रिड बैटरी जनरेशन वगैरह का आपको यहाँ कोई पता पड़ता रहता है, यहाँ पर कितनी कौन सी चलती रहती है, ये अच्छी चीज़ है ये है। चलो भाई अब इसका इंजन भी दिखाता हूँ आपको, इंजन भी कौन सा क्या नहीं है। इधर से अपने लाइट के टॉगल मिलेंगे, इधर वाइफर के टॉगल मिलेंगे, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर अपने 4 स्पीकर 2 ट्विटर सपोर्ट करता है, तो अपने एंड्रॉइड ऑटो पर 7 इंची का जो मिलता है भाई, सेम आर्टिका वगैरह बलेनो वगैरह सबके अंदर यही वाला आता है, ये है। चलो यहाँ रखते हैं अपना बोनट वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूलिट खोल सकते हैं, यहाँ से अपना बोनट खोल सकते हैं, 3 पैडल अपना यहाँ मिल जाते हैं, फ्यूलिट यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलता, पहले देती थी कंपनी, यहाँ से डुप्लीट आपको यहाँ मिल जाती है, फिर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाता है, मतलब बहुत सी चीज़ें आपके को दे देती है कंपनी, ये है ना। यहाँ से भरेंगे पेट्रोल जो काफ़ी 5 लीटर का फिल्टर का जाता है इसके अंदर, और यहाँ से इंजन भी खोल के दिखाऊँ आपको, इंजन भी खोल के दिखाता हूँ आपको, वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार, ये इसका इंजन भी, ये है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन, ये जो टर्बो इंजन भाई, ये टर्बो की बैजिंग, टोयोटा की बैजिंग आपको अलग है, टर्बो की बैजिंग 3 सिलेंडर अपना, ये इंसुलेशन का देखो कवरिंग वगैरह लगा रखा है, मतलब यहाँ पर भी कवरिंग वगैरह आपको पूरी मिल जाती है नीचे, और नीचे इधर भी आपको कवरिंग वगैरह मिल जाती है, बैटरी आपको यहाँ मिल जाती है, किस कंपनी की बैटरी, एक्साइड की बैटरी आपको मिल जाती है, साइलेंसर की कवरिंग वगैरह, वाइपर फ्लूइड वगैरह आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ वो ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है, ये अपनी इंजन ऑयल आप यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, इंजन यूज चेक वगैरह अपना अपनी इधर से आप कर सकते हो, इधर ECM वगैरह आपको मिल जाता है। लेकिन अब इस इंजन की बात करूँ भाई, ये जो इंजन है 98 BHP जनरेट करता है, और टॉर्क की बात करूँ, टॉर्क अपने को 136 N का टॉर्क आपको जनरेट आपको कर देता है, 136 N टॉर्क बहुत शायद है, 98 BHP आपको बहुत शानदार सा आपने मिल जाता है। माइलेज की बात करूँ, माइलेज आपको 21 कंपनी की क्लेम करती है, इंसुलेशन आपको गत्ता भी लगा रखा है, सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। इसको बंद कर देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ तो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। इसको ड्रेवली के तैयार भी है भाई, ट्राई जोन
तो अब एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, मतलब टोयोटा हर एक चीज़ अपना हटके करती है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर ऐसा आपको डैश वगैरह मिल जाता है, वाइफर मिल जाता है, तो मतलब मोस्टली अपने को ज़रूरतमंद चीज़ें सारी चीज़ इसके अंदर दे देती है। तो कैसी लगी ये आपको मुझे कार, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई कमेंट में। और थैंक्सफुल करता हूँ नरन टोयोटा ग्वालियर सिपरी रिंग रोड शीतला माता मंदिर रोड के आगे इनका शोरूम है, आप आए बेकायदा देखें, जो भी है मुझे बताएं जरूर इंक्वायरी वगैरह। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शी सून, हैव अ नाइस डे, तब तक सब्सक्राइब जरूर करके जाए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ ड्राइव।